हेलो फ्रेंड, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी और आप लोग लगातार मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं कोरोना इफेक्ट था और मैं भी कुछ जोड़ी सोशल वर्क में ही लगा हुआ था। तो अब वीडियो लगातार कंटिन्यू आएगी, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे से पूछा गया है वो है करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले तो स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए, पढ़ाई होती रहेगी, ये सबसे पहला काम है अभी का, क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं दिक्कत हो सकती है। लेकिन आपका जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई को लेकर जो कंसर्न है वो है करंट अफेयर्स। एग्जामिनेशन जो भी है वो सब अब डिले होगी, कब होगी ये तो पता नहीं, कोरोना जाने जब ठीक हो जाएगी तभी होगी। लेकिन अभी करंट अफेयर्स को लेकर जो आप परेशान हैं, मैंने बार बार कहा है करंट अफेयर्स को लेकर जितना ज़्यादा परेशान होते हो उतना रियली में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा है जहां पे पिछले पांच महीने छह महीने बहुत हुआ तो एक साल तक के करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम जब आता है उससे रिलेटेड बहुत सारे किताब करंट अफेयर्स के आ जाते हैं। इसके अलावा आप लोग डेली कहीं से भी, किसी वेबसाइट से कहीं से भी अगर डेली थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स कर रहे हैं, किसी मंथली मैगजीन को फॉलो कर रहे हैं, वो काफी है। लेकिन प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम ये नहीं होती कि करंट अफेयर्स को पढ़े कैसे, प्रॉब्लम ये होती है कि ये बिलीव नहीं होता है कि करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आया कि नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम बिलीव का है, तो ये आपको करना होगा, ठीक है, ये करना होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि करंट अफेयर्स जब बाय चांस एग्जाम में अगर चार या पांच करंट अफेयर्स नहीं बनता और अनफॉर्चुनेटली आप फेल कर जाते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को देखा है करंट अफेयर्स पे दोष देते हुए। लेकिन बात यह है कि आपका फोकस ही करंट अफेयर्स की तरफ इतना ज्यादा होता है कि दूसरे सब्जेक्ट की कमी आपको नहीं दिखती है। तो करंट अफेयर्स में एक बिलीव पहले आप पैदा करो कि आप जो पढ़ रहे हैं वहीं से करंट अफेयर्स आएगा, और जो इंपॉर्टेंट होता है वही पूछा जाता है। फालतू के बहुत सारे करंट अफेयर्स हर मैगजीन हर किताब में मिलेंगे जो आपके काम के नहीं है। तो क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में, क्या नहीं पढ़ना, ये ज्यादा जरूरी है। और जब भी एग्जामिनेशन आता है उसके एक महीने पहले जो मैगजीन्स आ जाती है उसके एक महीने या 15 दिन पहले अलग अलग तरीके से बहुत सारे मैगजीन्स मार्केट में आ जाता है, वो सफिशियंट होता है। दो या तीन कोई भी उठा लोगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप डेली भी करना चाहते हैं तो 10 से 15 फैक्ट अगर न्यूज़पेपर ले रहे हैं तो, अगर कहीं फॉलो किसी भी वेबसाइट को कर रहे हैं तो वहां से 10 से 15 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो लगता है एग्जामिनेशन के लायक हो उसको कैरी कीजिए, काफ़ी है वो, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अभी परेशान मत हो, अभी टाइम है सब्जेक्ट को स्ट्रांग करने का, ना कि सिर्फ करंट अफेयर्स को स्ट्रांग करने का। तो अभी आप सब्जेक्ट को स्ट्रांग कीजिए और करंट अफेयर्स को आप लास्ट टाइम में भी कर सकते हैं, दिक्कत कहीं भी नहीं होगी। जो मैगजीन्स आते हैं, जो मंथली मैगजीन है, उसका हेल्प लीजिए और बिलीव कीजिए कि जो पढ़ रहे हैं वहाँ से करंट अफेयर्स आएगा, और आएगा ही। पिछले छः महीने का किसी भी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, उसको कर लीजिए। बहुत ज़्यादा करना है तो मैक्सिमम एक साल का करके छोड़ दीजिए, वहीं से करंट अफेयर्स आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई और सवाल है तो कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की।